नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आदिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी और आदिकालीन साहित्य के हमने चार रूपों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें चारणी साहित्य या जिसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा नाथ एवं सिद्ध साहित्य, इसके बाद आता है जैन साहित्य, और उसके बाद जो फुटकर रूप में उपलब्ध है परकीर्णक साहित्य जिसे हमने कहा था। तो हमने आदिकालीन समस्त साहित्य को, जितना भी हमें प्राप्त होता है, जितना भी हमें साहित्य इतिहास ग्रंथों में प्राप्त होता है, उस पूरे के पूरे साहित्य को हमने इन चार कैटेगरीज में बांट दिया था। और अध्ययन की सुविधा के लिए इन चार भागों को भी अलग अलग उप विभागों में विभाजित किया गया है, ताकि हमें सहूलियत हो और एक किस्म की एक तारतम्यता के साथ हम उसका अध्ययन कर सकें। तो समग्र आदिकालीन साहित्य को उन चार कैटेगरीज में और उसके बाद उनकी सब कैटेगरीज में बांट दिया गया। हमने उसमें जो प्रथम श्रेणी का साहित्य था, जिसे हमने चारणी साहित्य या रासो साहित्य के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम आदिकालीन साहित्य की दूसरी और बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, और उसका नाम है नाथ एवं सिद्ध साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो नाथ और सिद्ध साहित्य है, ये एक किस्म की आध्यात्मिकता से संबंधित भी है। हम ये जानते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें विभिन्न संप्रदाय हिंदू धर्म से ही निकले थे, और उसके बाद में एक धार्मिक वातावरण में अनेक साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ, और उसके ऊपर उस संप्रदाय विशेष की छाप होती थी। तो उस संप्रदाय विशेष को इंडिकेट करने के लिए जो साहित्य रचा गया, वो उस संप्रदाय का साहित्य कहलाता है। तो उस समय नाथ और सिद्ध जो संत हुए थे, उनका जो साहित्य है, उनकी जो वाणियां हैं, वह इन साहित्यिक ग्रंथों में संग्रहित की गई है। तो आज हम इस श्रेणी के साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाथ एवं सिद्ध लोग कौन थे, यह संप्रदाय कहां से आविर्भूत हुआ, कौन कौन इनके प्रमुख संत थे, उनकी क्या सैद्धांतिक अवधारणाएं थी, क्या उनकी दार्शनिक अवधारणाएं थी। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिद्ध और नाथ, सिद्धों और नाथों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हम जानते हैं कि भारत में हिंदू धर्म जब पतित हो गया, पतनशील हो गया, तो हिंदू धर्म के पतनशील होने का फायदा उठाकर बहुत से अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव, और उसमें एक सर्वप्रमुख धर्म जो निकला वो बौद्ध धर्म था। धीरे धीरे कालांतर में जब बौद्ध धर्म का भी पतन होने लगा, तो बौद्ध धर्म बुद्ध के जाने के बाद, बुद्ध के अवसान के बाद दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। यह हम सब इतना जानते हैं, ये बेसिक हमारा जो साहित्यिक या इतिहास है हमारा, कि बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म जो है वो पतनशील हो चला था, और बौद्ध धर्म में भी मत विभाजन के बाद हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। अब ये जो महायान था, जो कि बोधिसत्व को मानता था, हीनयान वह धर्म जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं पर विश्वास करता था, बुद्ध को एक महापुरुष के नाम से जानता था, और बहुत ही जो पारंपरिक जो अवधारणाएं थी, पारंपरिक जो बुद्ध के नियम थे, उसी को फॉलो करता था, नवीनता को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन इसी बौद्ध धर्म का एक दूसरी शाखा का प्रवर्तन और हो गया, जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल था, जिसने बुद्ध के नियमों उपनियमों में थोड़ी ढीलता के साथ उसे स्वीकार किया, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्वीकार किया, और परंपरा के साथ साथ उसमें आधुनिक नियमों का भी समावेश किया गया, और यह जो अलग धर्म शाखा बनी, यह
महायान के नाम से जानी गई। यानी बौद्ध धर्म एक शाखा जो पारंपरिक नियमों को मानने वाली थी, जिसमें रूढ़िवादिता ज्यादा थी, नए नियमों को स्वीकार नहीं किया जाता था, बुद्ध को केवल महापुरुष के रूप में ही जाना गया। जबकि इनके विपरीत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आधुनिकता, आधुनिक नियमों को समाहित करते हुए बुद्ध को एक देवता की श्रेणी में रखा गया, बोधिसत्व को माना गया, नए नियम अपनाए गए, फ्लेक्सिबल नियम अपनाए गए, तो यह जो बौद्ध धर्म की शाखा थी यह कहलाई महायान। आगे चल के महायानियों में भी और ज्यादा मत विभाजन होने लगा। नए नए इस संप्रदाय में जो संत हुए और अपने अपने विचारणा के अनुसार उन्होंने इस संप्रदाय को और फिर आगे दो भागों में विभाजित किया। एक कहलाया सहजयान और एक कहलाया मंत्रयान। सहजयान जो कि सहज धर्म को स्वीकार करता था, जिसमें बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं थी, लेकिन इसी की एक शाखा जिसने तंत्र मंत्रों का समावेश अपनी साधना पद्धति में कर लिया। और जब मंत्रों का प्रयोग करके वो साधना करने लगे तो यह जो संप्रदाय था यह मंत्रयान कहलाया। मंत्रयान को ही आगे चलकर वज्रयान कहा जाने लगा और ये वज्रयानी ही एक्चुअल रूप में सिद्ध संप्रदाय कहलाया। तो यह एक सिद्धों का एक प्रादुर्भाव है एक धार्मिक अवधारणा के रूप में, कि पहले बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। अब हीनयान जो था, जो कि पारंपरिक था, जिसने वक्त के साथ चलना स्वीकार नहीं किया, वो वहीं जाके ठहर गया। और महायान जो था, जिसने नए प्रतिमानों को अपने अंदर अंगीकार कर लिया, वो आगे बढ़ चला। महायान के भी आगे चल के दो भाग हो गए, सहजयान और मंत्रयान। मंत्रयान जो कि वे जिसमें वे साधक होते थे जो मंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग अपनी साधना में करते थे, और मंत्रयान ही आगे चलकर वज्रयान कहलाया और वज्रयानियों को ही वास्तविक रूप से सिद्ध संत कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते थे, जनता को, जनमानस को अपने तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कृत करने का एक मादा रखते थे। इसलिए यह जो संप्रदाय था यह वज्रयानी संप्रदाय, या जिसे आगे चलकर सिद्ध संप्रदाय के नाम से जाना गया, कहलाया। अब यह तो हुई बात सिद्धों के प्रादुर्भाव की। सिद्ध जो संप्रदाय था या सिद्ध जो लोग थे उनके साहित्य की क्या विशेषताएं थी? ये जो लोग थे, इसमें जितने भी संत हुए हैं, जितने भी सिद्ध लोग हुए हैं, और उनके जो उपदेश थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए आगे चलकर तीन भागों में हम इनका अध्ययन करेंगे। तीन प्रकार का साहित्य सिद्ध साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें पहला नीतिपरक साहित्य, अर्थात ये लोग अपने धार्मिक उपदेशों में जो नीतिगत कथन कहते थे, नीतिगत बातें जनमानस को समझाते थे, वह जो साहित्य उसका जो संकलन किया गया है वह नीतिपरक साहित्य कहलाता है। इसके बाद उपदेशपरक, ये लोग अपने संप्रदाय की विभिन्न अवधारणाओं को विभिन्न उपदेश के रूप में जनता तक पहुंचाते थे, तो इनके जो उपदेश थे उनका जो संकलन है वो उपदेशपरक साहित्य कहलाता है। और तीसरा जो बहुत मुख्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, वह है साधनापरक, अर्थात इनकी जो साधना पद्धति थी जिसमें ये तंत्र मंत्र का प्रयोग करके सिद्धियां प्राप्त करते थे या सिद्धियां प्राप्त करना सिखलाते थे, तो वह जो साहित्य है वह साधनापरक साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्ध जो लोग होते थे इनकी जो साधना थी वो एक विशेष पद्धति के तौर पर होती थी और ये गुप्त साधना में विश्वास करते थे, इसलिए इनकी जो साधना है वो गुहा साधना कहलाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे वो अपनी साधना सामान्य जनता के बीच नहीं करते थे, बल्कि बहुत गुप्त रूप से इनकी साधना चलती थी जो जन सामान्य से दूर होती थी। तो इनकी जो साधना चूंकि गुप्त रूप में होती थी, जिसमें गुप्त विधियां प्रयोग की जाती थी, गुप्त मंत्रों का प्रयोग होता था, तो
तो वह साधना गुहा साधना कहलाती थी। और अपनी साधना के संबंध में जो कुछ भी इन्होंने लिखा है, जो कुछ भी व्यापकता के साथ इन्होंने संकलित किया गया है, वह साहित्य इनका साधना परक साहित्य, या जिसे रहस्यात्मक, क्योंकि वो रहस्यनुमा साधना होती थी, इसलिए इनकी साधनाओं को रहस्य साधना के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो साधना परक साहित्य है वह, तो सिद्ध साहित्य तीन भागों में प्राप्त होता है, नीति परक साहित्य जिसमें इनके नीतिगत तथ्यों का वर्णन है, फिर उपदेशात्मक साहित्य जिसमें ये इन्होंने जनता को जो उपदेश दिया है, जनता को जो सीख देने की कोशिश की है, जनता को जो अपने आचार विचार सुधारने की इन्होंने जो बात की है, वह साहित्य। और तीसरा रूप मिलता है इनका गुहा साधना से संयुक्त, जो रहस्यात्मक जिसमें बातें हैं, रहस्यात्मक दार्शनिक अवधारणाएं हैं, वह साहित्य। तो सिद्ध साहित्य हमें तीन रूपों में प्राप्त होता है। अब हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे।